जय हिंद स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन तो आपको पहले से पता होगा, एल्गोरिदम एक नया शब्द है। अब सवाल यह उठता है कि एल्गोरिदम बेसिकली है क्या और ये कहाँ से आया है। तो एल्गोरिदम की बेसिकली जो डेफिनेशन है वो कहता है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच प्रोवाइड द प्रोसीजर टू ऑब्टेन द डिजायर रिजल्ट। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि यहाँ पर सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है जो कि प्रोवाइड करता है प्रोसीजर टू ऑब्टेन द डिजायर रिजल्ट। अब एक छोटे से एग्जांपल से इस डेफिनेशन को समझा रहे हैं। सपोज कर रहे हैं कि मारुति अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, मारुति स्विफ्ट डिजायर, उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो क्या करेगी? सबसे पहले एक प्रोसीजर डेवलप करेगी। अब जब वो प्रोसीजर डेवलप करेगी तो उस प्रोसीजर के अंदर स्टेप्स होंगे। तो कोई भी कार जब बनती है तो सबसे पहले उसकी क्या लगती है? चेंज लगती है, जो नीचे वाला हिस्सा है। फिर चेस लगने के बाद उस चेस में इंजन लगता है। फिर तीसरे स्टेप में टायर्स लगते हैं। फिर चौथे स्टेप में उसका बॉडी लगता है और फिर कलरिंग होती है। फिर उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद उसमें सील्स लगती है कि भाई ये ओके है कि नहीं है, ये क्वालिटी में सही है कि नहीं है। तो इन स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। और यहां पर मारुति क्या करना चाह रही है? कार बनाना चाह रही है, तो वो उसका डिजायर रिजल्ट है। तो उसी तरह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी, यहां पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी क्या कर रहा है कि एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है इसमें। अब सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप है, बात यह आती है कि क्या चीज ऑब्टेन करना चाह रहा है। तो वो ऑब्टेन करना चाह रहा है HCF ऑफ टू और मोर गिवन नंबर। तो बेसिकली जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है वो क्या है? इट इज अ टेक्निक टू फाइंड द HCF ऑफ टू और मोर गिवन नंबर। दो या दो से ज्यादा नंबर का HCF फाइंड करने के की जो टेक्निक्स इसमें यूज करी गई है उसको हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो अब देखते हैं कि HCF क्या होता है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कई बार हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। तो इसमें एक शब्द है फैक्टर, तो सबसे पहले वो पता होना चाहिए। और वैसे तो मुझे 100% श्योरिटी है कि आपको फैक्टर जरूर पता होंगे। अगर नहीं पता है तो हम यहां पर एक छोटा सा एक बार रिव्यू कर रहे हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक नंबर है 6। सपोज करो कि मेरे पास यहां पर नंबर क्या है? एक 6 है। अब मैं वो सारे नंबर लिखूंगा जो 6 को क्या करते हैं? एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। मैं वो सारे नंबर लिखूंगा जो 6 को क्या करते हैं? एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। जैसे कि 1 करता है 2, 3, 6, 6। तो ईच नंबर दैट डिवाइड 6 एग्जैक्टली अब नोन एज इट्स फैक्टर, और 6 उनका मल्टीपल हो जाएगा बेसिकली ऑपोजिट। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको फैक्टर पता लग गए होंगे कि जब भी कोई भी नंबर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? उसका फैक्टर कहलाता है। अब HCF अपने क्लास 6 में HCF फाइंड करना सीखा होगा। तो HCF फाइंड करने के हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। हमारे पास पहली टेक्निक क्या होती है? टू फाइंड अ फैक्टर्स एंड देन वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स। दूसरी टेक्निक होती है डिवीजन एल्गोरिदम, लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है ना, डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड। और तीसरा होता है बाय फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ द नंबर्स। तो हम HCF एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स एंड देन वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर, और उसमें भी सभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा वो बताएं। तो सपोज करो कि मैं यहां पर दो नंबर ले रहा हूं, 24 एंड 32। अब मैं 24 और 32 के क्या निकाल रहा हूं? फैक्टर्स निकाल रहा हूं। 24 के जो फैक्टर होंगे वो होगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। 32 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 4, 8, 16, 32।
तो ये क्या होंगे, इनके फैक्टर्स होंगे। अब मैं दोनों नंबर के क्या देखूंगा, कॉमन फैक्टर्स देखूंगा। तो दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर 1, 2, 4, 8 और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं यहां पर, लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना हाईएस्ट। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर हमारे पास दो नंबर है और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना वाला है, फाइंड करना है, तो वो नंबर जो उन दोनों नंबर को एग्जैक्टली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। वो हाईएस्ट नंबर जो उन दोनों नंबर को क्या कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कैसे फाइंड होता है, तो आपने यहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना सीखा होगा। तो बेसिकली जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, बेसिकली वही चीज है। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32। तो हमने बचपन में ये मेथड पढ़ा, याद आ गया होगा आपको, 32 हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 24 से। 24 बनता 24, रिमाइंडर कितना है 8। अब जब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में द रिमाइंडर बिकम्स द डिवाइजर, रिमाइंडर बिकम द डिवाइजर, और जो प्रीवियस स्टेप में जो डिवाइजर है दैट विल बिकम अ, दैट विल बिकम अ डिविडेंड। 8 3 24, और हम तब तक ये प्रोसीजर करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर क्या ना जाए, 0 ना जाए, यहां तो दूसरे स्टेप में आ गए। अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले 32 को कैसे लिखेंगे, 32 इक्वल्स टू 24, डिवाइजर है, क्वेश्चन 1 है और रिमाइंडर कितना 8। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि जो प्रीवियस स्टेप है, क्योंकि रिमाइंडर यहां पर 8 आया, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब क्या करेंगे कि जो पहले स्टेप में डिवाइजर है दैट विल बिकम अ डिविडेंड, और डिवाइजर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा पहले स्टेप में। 8 3 24 0, और हम तब तक ये स्टेप्स लगाते रहेंगे जब तक रिमाइंडर क्या ना बन जाए, 0 ना बन जाए। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सबसे पहले अगर हमारे पास दो नंबर है 32 एंड 24, क्योंकि 32 इज ग्रेटर, तो हम 32 को डिवाइड करेंगे 24 से, 24 बनता है 24, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना है 8। अब क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर आया 8, तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो रिमाइंडर होगा दैट विल बिकम अ डिवाइजर, और जो पहले स्टेप में जो डिवाइजर था दैट विल बिकम अ डिविडेंड इन द नेक्स्ट स्टेप। इज दैट क्लियर ऑन? फिर हम डिवाइड करेंगे और हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, 0 ना आ जाए। अब हम हर एक स्टेप को एल्गोरिदम के फॉर्म में लिख देंगे, सॉरी लेमा के फॉर्म में लिख देंगे। दैट इज कि सबसे पहले स्टेप में क्या है कि डिविडेंड क्या है 32, उसको कैसे लिख सकते हैं 24 into 1 + 8, क्योंकि रिमाइंडर आया हमारे पास 8, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। नाउ 24 जो पहले स्टेप में डिवाइजर था दैट विल बिकम अ डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था दैट विल बिकम अ डिवाइजर। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 into 3 + 0, यानी कि रिमाइंडर यहां पर क्या आ गया, 0। तो हमारे पास 8 क्या हो गया, एचसीएफ। हेंस 8 इज द एचसीएफ ऑफ 24 and 32. तो अगर आपको किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर का अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो आपको यह प्रोसीजर करना पड़ेगा। और मेरी जो राय है, आप जब अगर आपको एग्जाम में कोई एचसीएफ फाइंड करने के लिए आता है तो दोनों मेथड आप लगते हैं। इसके साथ ये भी दिखाइए, इसके साथ ये भी दिखाइए। इज दैट क्लियर ऑन? तो यहां पर हमने आज सीखा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है एंड हाउ इट इज यूज्ड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 or more गिवन नंबर। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है, कुछ क्वेश्चंस भी है जो हम जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से एचसीएफ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।